हाय गाइज, वेलकम बैक टू ES स्टडी ग्रुप। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ पार्ट फोर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं इस पार्ट फोर में, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे गए और शॉर्ट ट्रिक से। वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। मैं आशीष यादव आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ES स्टडी ग्रुप पर। अगर कहीं भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, जो आपकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, आप ट्रिक पहले देख लें मेरे साथ में। कला जल जीव को क्षमा करो। ट्रिक क्या है, कला जल जीव को क्षमा करो। इस ट्रिक के अनुसार हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने ट्रिकी वर्ड और मिट्टी, ठीक है। जैसे अब पहला शब्द था कला, कला में मैंने पहले का ले लिया, ठीक है, का ले लिया। का से के लिए काली मिट्टी या कह सकते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है। अब ला शब्द है, ला से क्या होता है, लाल मिट्टी। इस तरीके से हम पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। उसके बाद आता है जल, ठीक है, कला जल। तो जा से आपका आया है जलोढ़ मिट्टी। क्या आया है, जलोढ़ मिट्टी। इसी प्रकार से अब आगे ला शब्द आया है तो ला से ले लिया है लेटराइट मिट्टी। यह आपके पढ़ने की आसानी के लिए यह ट्रिक बनाई गई है आपके लिए मेरी तरफ से। फिर आगे मैंने लिया है जी से, ठीक है, तो जी का हो गया जैव मिट्टी। वा से वनीय मिट्टी, छा से छारी मिट्टी और आपका ये है माँ, तो माँ से हो गया आपका क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक थी। कुछ प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कि भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो जैसा कि मैंने कल आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था कि आठ भागों में बांटा है, तो वह आठ भाग देख लीजिए आप। तो उन्हीं का मैंने वर्णन करके दिया है आज फिर, और पहले थ्योरी टाइप में करा चुका था आपको, ठीक है। तो आठ भाग कौन कौन से मेरे साथ देखते हुए आप चलें। पहला भाग है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है पीटमीय और जैव मिट्टी, ठीक है, ये कह सकते हैं पीटमीय या जैव मिट्टी। नेक्स्ट है काली मिट्टी, ठीक, अगला है काली मिट्टी। उसके बाद आपका आता है बनीय मिट्टी, ठीक है, जो यानी बन में होती है बनीय मिट्टी। उसके बाद आपका लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद आता है क्षारी मिट्टी, ठीक है, क्षारी मिट्टी के बाद एक आता है मरुस्थलीय मिट्टी, जय मिट्टी की चीज़ है आपकी। ये आपकी आठ प्रकार की मिट्टी थी। कौन कौन सी थी, क्षारी मिट्टी, लाल मिट्टी, बनीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, पीटमय या जय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये आपकी कितनी थी, आठ प्रकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भाग पर पाई जाती है, ठीक है, तो यह पाई जाती है 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है, ठीक है, इसकी खासियत क्या है मेरे साथ देखिएगा। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसमें उर्वरता काफ़ी होता है। किसमें होता है, जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, यह होती है पोटास की। किसकी होती है, पोटास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर किसे कहते हैं, ठीक है, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि खादर किसे कहते हैं, खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आप फसलें देख लें, जैसे कि धान हुआ आपका, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, तिलहन हुआ, दलहन हुआ, आलू हुआ, कई एक ऐसी फसलें हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी में पैदा की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8 का, कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, जो काली मिट्टी है तो कैसे बनती है ये देखें। वेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हमको काली मिट्टी प्राप्त होती है। जहाँ पर वेसाल्ट मिट्टी ये चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको काली ही मिट्टी मिलेगी देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? इसकी होती है आयरन की, चूना की, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम। इन पदार्थों की बहुलता होती है, एक बार पुनः देख लें, आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? देखिए, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? काली मिट्टी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, जो कि आपको 3 दिन से बराबर पढ़ा रहा हूँ मैं, कि सबसे अच्छी खेती कौन सी होती है? काली मिट्टी, और अधिकतर भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। ये प्रश्न परीक्षा में कई एक बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इन्हें अनदेखा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? रवेदार एवं कायंत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। जो लाल मिट्टी बनती है किससे बनती है? जो रवेदार और कायंत्रित शैलें होती हैं इनका विघटन होता है आपस में, तो इनका जो विघटन होता है, जो आपस में टूट फूट होती है, ठीक है, जो उसी से लाल मिट्टी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? किसकी होती है? सिलिका और आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? किसकी की जाती है? कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज, ठीक है, ये किए जाते हैं आपकी लाल मिट्टी में, ठीक। और काली मिट्टी में आपका तेलन हुआ, ठीक है, और आपका धान हुआ, तो ये काली मिट्टी में किए जाते हैं, जैसा कि आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कि किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? किसकी बढ़ाई जा सकती है? लाल मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? जो चाय खेती होती है, सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है चाय के लिए, वह है लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? किसकी होती है? आयरन और सिलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की सभी मिट्टियों में से किस खनिज की कमी पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? यूरिया का। 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका पुनः आप रिवीजन देख लें हमारे साथ में। ट्रिक क्या मैंने बनाई थी आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक बनाई है, कला जल जीव को क्षमा करो, ठीक है। तो इससे क्या था, ट्रिकी शब्द क्या है, का से आपका क्या हुआ है,
काली मिट्टी, ठीक है, और ला से आपका हुआ लाल मिट्टी, जा से हुआ जलोढ़ मिट्टी, और ला से हुआ तो ये हुआ लेटराइट मिट्टी, और जी से जैव मिट्टी, वा से बनिए मिट्टी, छा से क्षारीय मिट्टी, और आपका माँ से हुआ मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीटमय और जैव मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनी मिट्टी, लाल मिट्टी, क्षारी मिट्टी। ये आपके 8 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो कितने पर पाई जाती है? 22% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसमें उर्वरता काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा ये क्या हुआ, डिफॉल्ट हो चुका था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा आ गया डिफॉल्ट में। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? पोटास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आपको भी बताया था, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू। तो ये आपकी कई एक ऐसी फसलें हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवेदार एवं कायंत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिक्का और आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? कपास, गेहूं, दालें और मोटी अनाजों की लाल मिट्टी में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? लाल मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की सभी मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? यूरिया की, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।